जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर ने कुक और वार्ड सहायिका की वैकेंसी निकाली है। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी इन मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर महाराष्ट्र। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है, द प्रेजिडिंग ऑफिसर BOO3 हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर। ये दोस्तों आपका एड्रेस रहेगा। लास्ट डेट की बात करते हैं तो दोस्तों 2 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 2 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुक और वार्ड सहायिका की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो है दोस्तों 67 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप जनरल SC ST OBC में वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं। दोनों वैकेंसीज के लिए दोस्तों आपको 10वीं पास आउट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपकी जो उम्र है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, वार्ड सहायिका के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फीमेल होना जरूरी है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स ही वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, कुक की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलकर अगर हम फीस की बात करते हैं तो आपकी फीस 100 रुपया रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो दोस्तों, जनरल OBC EWS SC ST, आपकी जो फीस है वो 100 रुपया रहेगी। आपके अपने जो फीस है दोस्तों, आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट से या फिर पोस्टल ऑर्डर से पे कर सकते हैं। द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर जो ये फेवर रहेगा, इस फेवर में आपको अपनी फीस पे करनी रहेगी। इसके साथ अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सर्विसमैन हैं तो आपका डिस्चार्ज बुक PPO, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपका इनकम एसेस सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड, डोमोसाइल, ये सभी आपको सेंड करने होंगे। इसी के साथ देखिए, अगर आगे चलकर हम बात करते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तो दोस्तों अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 अलग अलग जो है लेटर इसके लिए भेज सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप अपना जो एप्लीकेशन लेटर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं। आपको आने जाने के लिए कोई भी TI या PD नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो 10वीं बेस पर होगा, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर स्कीम बताई गई है। आपको एग्जाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा, यानी कि आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन दोस्तों 2 घंटे का रहेगा। तो ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। अब इसी के साथ इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, इस बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। हालांकि 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फिल करते हैं। लेकिन फिल करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूंगा आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों फिल करके डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। आपकी फोटो रिसेंट होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, और उस पर आपके जो है सिग्नेचर भी होने चाहिए। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कुक के लिए, फिर वार्ड सहायिका के लिए, आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद रेफरेंस, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेटेड, दोस्तों इन 3 कॉलम्स के बारे में हम आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिट का नाम लिखना होगा। तो दोस्तों, यूनिट का नाम सिंपली मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, इसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपका नाम लिखना होगा हिंदी में, इंग्लिश में। इसके बाद आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, आपकी मदर का नाम, आपकी DOB, दोस्तों आपकी जो DOB है वो स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से सही होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट डेट के दिन आपकी उम्र कितनी होगी, यानी आप कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के, कितने डेज के होंगे। 2 अगस्त को दोस्तों आपकी एग्जैक्ट जो एज है, आपकी जो एज है वो कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर जो है मैंशन करना होगा। इसको कैटेगरी का नाम डालना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी में दोस्तों आपको सिर्फ इंडियन लिखना होगा, और रिलीजन यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। कॉलम नंबर 7 में देखिए दोस्तों, आपसे 3 ऑप्शन दिए गए, ए में, ओ बी में और सी में। दोस्तों यहाँ पर ए और बी में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो लिखना है, आपका विलेज, मोहल्ला, हाउस नंबर,
आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपके पास दो अलग अलग एड्रेस है तो दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सेम एड्रेस भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मेल आईडी डालनी होगी। दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो वैलिड होनी चाहिए और बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट जो है आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट करता रहे। अब इसके बाद आगे चलकर देखें दोस्तों, कॉलम नंबर 8 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन करना रहेगा, यानी आपको जो 10वीं पास की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, किस ईयर से पास की है, किस बोर्ड से पास की है, कितने परसेंट आपने मार्क्स हासिल किए थे, डिवीजन क्या था, और रिमार्क्स में दोस्तों आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके जो सर्टिफिकेट है उनके जो फोटोकॉपी है वो आपको इसी के साथ अटैच करनी होगी। अगर आपको काम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो दोस्तों इसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद डिक्लेरेशन दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, यहाँ पर थंब इंप्रेशन आपको देने होंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अगर आप फीमेल है तो राइट थंब इंप्रेशन आपको देने होंगे। यहाँ पर अगेन सिग्नेचर करने हैं और नाम लिखना रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें आपको बताया गया 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी आपको 3 फोटोग्राफ जो है वो भेजने हैं। इसके बाद अगला जो कॉलम है इसमें आपको डी डी नंबर लिखने हैं। दोस्तों यहाँ पर आप डी डी नंबर लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको फेयर लिखना होगा। फेयर जैसे मैंने पहले बताया था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि इसके फेयर में आपको ये एप्लीकेशन लेटर की जो फीस है वो जारी करनी है। तो ये सभी जानकारी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसके बाद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी आपने कितने कॉपी इसके साथ अटैच किए हैं, आपकी जो फोटोकॉपी है आपने कितनी फोटोकॉपी यानी कि कितने जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ अटैच किए हैं, आपके आधार कार्ड, आपके डोमोसाइल, आपकी फोटो, आपके 10वीं सर्टिफिकेट, 12वीं की सर्टिफिकेट, बाकी अदर डिग्री डिप्लोमा जो है आपने जितने सर्टिफिकेट अटैच किए हैं उनकी संख्या कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका फॉर्म है, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट इस वैकेंसी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी से लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। साथ ही दोस्तों अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।